हमारी इतनी ब्यूटीफुल कंट्री में इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं देखने वाली, इतने ब्यूटीफुल सिटीज़ हैं देखने वाले, जो जब तक हम जाएँ ना तब तक उनके आनंद ले ही नहीं सकते। तो आज हम चलते हैं जबलपुर की यात्रा। आप बोलोगे जबलपुर में ऐसा क्या है, तो मैं आपको सिर्फ जबलपुर नहीं उसके आसपास बहुत सारी जगह घुमाने वाली हूँ, इतनी खूबसूरत कि आप कहेंगे ये लॉकडाउन खुले और हवाई यात्रा शुरू हो तो हम ज़रूर जल्दी से जल्दी वहाँ जाएं। तो चलिए लिए चलती हूँ आपको जबलपुर अमरकंटक बेड़ाघाट के दर्शन कराने। मैंने और संजय ने प्लान किया दिल्ली टू जबलपुर बाय एयर जाने का, क्योंकि रास्ता लंबा था तो सोचा बाय एयर जल्दी पहुँचेंगे और अपने दिन ख़राब ना करते हुए एटलीस्ट मैक्सिमम विद इन 3 डेज वी शुड गेट द बेनिफिट ऑफ सीइंग सो मैनी प्लेसेस। शाम के समय टैक्सी करके हम गवारी घाट पहुँचे। ब्यूटिफुल नज़ारा नर्मदा नदी का, पानी बह रहा था बहुत ही खूबसूरत। सामने की तरफ वाइट कलर का एक गुरुद्वारा जो ढलते हुए सूरज के साथ बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था, और जिस तरफ हम थे वहाँ 5 स्टैंड्स थे, उन स्टैंड्स को ब्यूटिफाई किया जा रहा था। पंडित उन्हें सजाने में लगे हुए थे, कुछ बच्चे भी थे साथ में, उन्हें अच्छे से कवर कर रहे थे और कवर करने के साथ साथ उनमें पूजा का सामान रखा जा रहा था। कुछ एक दो बच्चे दिया और पत्तल के अंदर फूल दे रहे थे और बहुत सारे लोग उस दिए और फूलों को नदी में बहा रहे थे पूजा बतौर। जैसे जैसे सूरज ढलता गया वी कुड सी अ सी ऑफ पीपल कमिंग एंड सिटिंग ऑन द साइड्स जस्ट टू विटनेस द आरती एंड द नर्मदा आरती व्हाट इट इज़ फेमस फॉर। सो लेट मी टेक यू एंड शो यू कपल ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ द नर्मदा आरती विच वॉज सो सीरीन, सो ब्यूटिफुल एंड सो हार्टफेल्ट एंड टचिंग। So the next day we started off for Amarkantak. Amarkantak is about 220 kilometers away from Jabalpur. It's at the border of Chhattisgarh and Madhya Pradesh. That's the place where Narmada Udgam takes place. So we enjoyed the temple, the serenity of the temple, the calmness and the peace of the temple. We could see 9 Shivlings, and yes, there is the statue of elephant, and there's a saying that if you wish to get all your wishes fulfilled, you have to cross or you have to get underneath and come out as it is, though it's a very difficult task for many of the people because wo hathi ka pet itna bada nahi hai aur rasta nikalne ke liye bahut hi chhota hai, but still anyhow I didn't try doing it, I didn't even have the courage to do that. Uske baad thoda aur aage ek bahut sundar temple hai kalachari period ka, वहाँ पे भी हाँ कुछ तस्वीरें खिंचाना तो जायज़ था, तो कुछ पिक्चर्स ली हमने और उसकी सुंदरता को बहुत ब्यूटीफुली दिल के अंदर उतारा। सो द थर्ड डे वी प्लान्ड आवर ट्रिप टू बेड़ाघाट। नाउ बेड़ाघाट इज़ अबाउट 26 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जबलपुर एंड इट टेक्स अबाउट 45 to 50 मिनट्स रीचिंग देयर।
वॉट अ साइट, वॉट अ सीन, वॉट अ प्लेस. धुआंधार फॉल्स, रोप वे, ट्रॉली, हर एक चीज़ का नज़ारा, हर एक चीज़ की खूबसूरती देख के समझ में आएगा कि भगवान ने हिंदुस्तान में कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं. तो अब आपको रोप वे से पूरा बेड़ा घाट दिखाते हैं और धुआंधार फॉल्स का ऊपर से नज़ारा देखना बहुत मज़ा आएगा. इंजॉय. यार बेटा तेरी हिम्मत है, मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पे. मुझे तो बहुत सुनने लग रहा है. हम मैं तो बाहर भी चली आई. वहाँ पे कैसे, नाव में तैर के स्विमिंग आती है? तो बेटा तेरे को नहीं आएगी, किसको आएगी तू जब यहाँ रहती है. तो पिताजी क्या करते हैं तेरे? कृषि, खेती किसानी. लास्ट डे हमने फिर से जबलपुर घूमा क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई थी देखने वाली. तो एक बहुत सुंदर गार्डन है वहाँ पे, बैलेंसिंग रॉक, एंड दे से इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द पुल दैट इट इज़ स्टेशन देयर इन दैट मैनर. सो जबलपुर घूम घाम के शाम को फिर से नर्मदा आरती देखने गए क्योंकि पहले दिन और लास्ट डे दोनों दिन उसको अंदर अपने सिंक करना बहुत ज़रूरी था. So the journey to Jabalpur, the trip to Jabalpur was as beautiful as the place. And yes, one should and one must try and explore because there are a lot of places to see which are close by. I hope you enjoyed this trip of ours as much as we enjoyed sharing these pictures and videos with you. Thank you so much for getting connected with Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik.